बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में ईडी को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी के सहयोगी कनिष्ठ और डील में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले हैस्के की भूमिका की जांच की मांग की है। साथ ही चिट्ठी में ये भी लिखा है कि अगस्ता वेस्टलैंड डील और साथ ही कॉमनवेल्थ घोटाले के कनेक्शन की भी जाँच होनी चाहिए। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में आज बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कांग्रेस पर एक लेटर बम फेंका। किरीट ने अगस्ता वेस्टलैंड में राहुल गांधी की भूमिका की जांच की मांग की है। ये एमजीएफ उनके साथ में काम करने वाले कनिष्क सिंह के परिवार की कंपनी है। चिट्ठी में किरीट सोमैया ने अगस्ता डील और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में लिंक की बात कही है। सोमैया ने मांग की है कि अगस्ता डील में कांग्रेस और एमआरएमजीएफ के बीच क्या लिंक है, इसकी जांच होनी चाहिए। किरीट का आरोप है कि एमआरएमजीएफ राहुल गांधी के सचिव कनिष्क सिंह की कंपनी है और सीडब्ल्यूजी घोटाले में एमआरएमजीएफ का भी नाम शामिल था। सोमैया ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि एमआरएमजीएफ कंपनी के पूर्व डायरेक्टर माइकल हाशके कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले और हेलीकॉप्टर डील में शामिल रहे हैं। राहुल गांधी से उनके मित्र से संबंधित कंपनी में वो हेलीकॉप्टर घोटाले का हाशके भी डायरेक्टर था। वहीं आज राहुल गांधी से जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो राहुल गांधी ने खुद को निशाना बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। कनिष्क ने भी सोमैया के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। कनिष्क का कहना है कि सोमैया इस तरह के आरोप फरवरी 2013 से लगा रहे हैं। किरीट सोमैया ने इस लेटर बम के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार तेज हो सकती है। अगस्ता डील घोटाले में किरीट सोमैया के आरोपों ने सियासत को नया रंग दे दिया है। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का कहना है कि किरीट सोमैया कोई भी बात बिना तथ्य के नहीं कहते, इसलिए इस मामले को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को ही नकार रही है। अगस्ता डील मामले में किरीट सोमैया के कांग्रेस पर फेंके लेटर बम को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इन आरोपों पर दिए राहुल गांधी के जवाब को लेकर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। हालांकि वो ये कहना नहीं भूले कि सोमैया कोई भी बात हवा में नहीं करते। किरीट सोमैया जी बड़ा रिसर्च करने के बाद कोई चीज निकालते हैं, उन्होंने कोई चीज निकाली होगी तो कुछ सच्चाई होगी उसमें। वहीं केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि इस मामले में नए तथ्य सामने आ रहे हैं। फैक्ट्स आर कमिंग, न्यू थिंग्स आर इमर्जिंग। The government is very keen to take it to its logical conclusions. हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को गंभीर नहीं मानती। किरीट सोमैया सुब्रमण्यम स्वामी अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलती रहे, इसके लिए किसी पर कोई आरोप लगा दे सकते हैं। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कल संसद में इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। स्वामी ने कहा है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी इस मुद्दे पर बहस में जवाब देंगे। कल पूरी बहस में वो जवाब देंगे, वो जवाब में वो सारी बातें रखेंगे। मेरा नाम भी है बहस में, मैं भी बोलूंगा कल। अगस्ता मामले में रोज हो रहे नए नए खुलासों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही हाथ में सियासत का नया हथियार दे दिया है। वार और पलटवार करने का कोई भी मौका दो में से कोई पार्टी नहीं छोड़ रही है। पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब और केंद्र सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में केंद्र सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच तालमेल नहीं होने की बात कही गई है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट में खुफिया अलर्ट के बावजूद पठानकोट एयरबेस में आतंकियों के घुसने पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। कमेटी को एयरबेस के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें आतंकी हमले का अलर्ट पंजाब से नहीं बल्कि दिल्ली में वायुसेना के अधिकारियों से मिला। संसदीय समिति के प्रमुख प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा है कि अगर वाकई भारत सरकार गंभीर होती और खुफिया एजेंसियों ने ठीक से काम किया होता तो तस्वीर कुछ और होती। क्यों इतना लेट हुआ इन्फॉर्मेशन? सिक्योरिटी लैप्सेस है, ये नया वाला सिक्योरिटी करना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट को फेस लुक देना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने पाक जीआईटी को भारत आने की इजाजत देने पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं सरकार ने कमेटी की सिफारिश को गंभीरता से लेने की बात कही है। सिक्योरिटी के मामले में जितने भी घटनाएं आए हैं वो अच्छा है, क्योंकि वो जो सही चीज को उन्होंने कमेंट्स किया है तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं। पठानकोट आतंकी हमले के बाद सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी सुरक्षा में चूक की बात मानी थी। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में आज लगातार सीबीआई ने दूसरे दिन भी पूर्व एयर चीफ
एसपी त्यागी से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है कि पूर्व एयर चीफ के 3 कंपनियों में हिस्सेदारी थी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी त्यागी पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक त्यागी से अब तक की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासे के मुताबिक अगस्ता डील में बिचौलियों और त्यागी के बीच बातचीत में कोडवर्ड का इस्तेमाल हुआ था। बिचौलियों ने कई बार त्यागी से गोलिया शब्द का इस्तेमाल किया, इटालियन में जिसका मतलब होता है खूबसूरत लड़की। साथ ही भारत में रजिस्टर्ड 3 कंपनियों में एसपी त्यागी की हिस्सेदारी का खुलासा हुआ है। सीबीआई को वंशी, अनुराग और श्रावण के शुरुआती नाम से रजिस्टर्ड इन कंपनियों में पैसे के संदिग्ध लेन देन होने की जानकारी भी मिली है। वहीं आज सुबह दोबारा पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे एसपी त्यागी पत्रकारों के सवालों से नाराज हो गए। अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में एसपी त्यागी से जहां सीबीआई पूछताछ कर रही है, वहीं अब 5 मई को प्रवर्तन निदेशालय भी एसपी त्यागी से पूछताछ करेगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही सांसदों की फिर क्लास ली। पीएम ने उन्हें सरकार के अच्छे काम जनता के बीच ले जाने की हिदायत देते हुए कहा कि बिना बताए जनता को कैसे पता लगेगा। मोदी सरकार को सत्ता में आए 2 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए पीएम मोदी चाहते हैं कि सरकार की उपलब्धियां आम लोगों तक पहुंचे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम जब सांसदों से मुखातिब हुए तो उन्होंने सवाल किया कि क्या आप गांव में जाते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच ले जा रहे हैं या नहीं। पीएम ने सांसदों से कहा कि सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना जरूरी है और इसमें कोई कसर छोड़ी नहीं जानी चाहिए। पीएम ने मुद्रा योजना और मुफ्त गैस कनेक्शन योजना पर भी सांसदों से सवाल पूछे। ये बड़ी उपलब्धियों को सांसद जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में ये उपलब्धियां हुई हैं और सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां सरकार की पहुंचाई जाए लोगों तक। प्रधानमंत्री ने सांसदों से पूछा कि किस किस सांसद ने अपने क्षेत्र में ऊर्जा उत्सव मनाया। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग ही जनता को सरकार के काम के बारे में नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सांसदों को अगस्ता डील के बारे में पार्टी के रुख की जानकारी भी दी। देश में चीनी, प्याज और दाल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा आज संसद में उठा। कांग्रेस ने सरकार पर वार करते हुए पूछा कि आखिर कब आएंगे अच्छे दिन। जवाब में सरकार ने बिचौलियों पर नकेल कसने की बात कही। दाल, चीनी और प्याज जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस ने मोदी सरकार को महंगाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि अच्छे दिन कब आएंगे। ये सरकार आई थी इस वादे के साथ कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि आज चीनी 30-35 रुपए किलो से 50 रुपए किलो तक उपभोक्ता को मिल रही है। वहीं बीजेपी के सहयोगी शिवसेना ने बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल उठाए। महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए और बढ़ती हुई दालों की भाव को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार के पास क्या ब्यौरा है। जवाब में सरकार ने बिचौलियों पर नकेल कसने की बात भी कही। कोई भी एपीएमसी में किसान माल लेके जाते हैं तो जो लेने वाली पार्टियां हैं उसका एक रिंग बन जाती है, किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, किसानों को बहुत नुकसान होती है। पिछले साल भी इन्हीं महीनों में जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे थे, तब भी सरकार ने कीमतों को जमीन पर लाने की बात कही थी, लेकिन सरकार के वो दावे अभी तक खोखले साबित हुए हैं। डीजल टैक्सी बैन किए जाने को लेकर सड़कों पर उतरे टैक्सी ड्राइवर्स की हड़ताल से दिल्ली वाले आज भी बेहाल दिखे, तो वहीं अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर बैन के खिलाफ टैक्सी एसोसिएशन का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। दिल्ली की सड़कों पर जगह जगह दिखे इनके प्रदर्शन का असर ये हुआ कि लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। इस बीच बीजेपी ने टैक्सी ड्राइवर्स का समर्थन किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार पहले दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे स्रोतों को बंद करे, फिर डीजल टैक्सी पर रोक लगाए। बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी टैक्सी चालकों की हड़ताल और प्रदूषण का मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे। 27,000 परिवारों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एकदम सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया। जबकि पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन वाहन पॉल्यूशन से 6 नंबर पे है। उत्तराखंड समेत देश के 3 राज्यों में लगी आग पर जहां अब तक काबू नहीं पाया जा सका है, वहीं इससे पर्यावरण प्रदूषण और ग्लेशियर पिघलने का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कवायद जारी है।
हालांकि आग बुझाने में जुटे लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। जंगल में लगी इस आग ने पर्यावरण पर प्रदूषण के खतरे को भी बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि जंगल में लगी आग ने एक से दो घंटे में इतना नुकसान पहुंचाया जितना चार से पाँच महानगर मिलकर एक साल में पर्यावरण को पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण के साथ साथ देवभूमि की आग से ग्लेशियरों के पिघलने का संकट भी बढ़ गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जंगलों से निकल रहा धुआं और कार्बन हिमालय रेंज के ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बढ़ा देंगे। केरल के एर्नाकुलम में दिल्ली जैसा निर्भया कांड देखने को मिला। यहां 30 साल की दलित छात्रा की रेप के बाद हत्या कर दी गई, शव घर में ही मिला। केरल के एर्नाकुलम में लॉ स्टूडेंट के रेप और मर्डर के केस में पुलिस ने पाँच दिन बाद दो लोगों को हिरासत में लिया है। एर्नाकुलम पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक आरोपी के लड़की के घर वालों से बेहद करीबी संबंध है। वारदात 28 अप्रैल की है जब 30 साल की लॉ स्टूडेंट की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के पहले लड़की के साथ रेप की आशंका जताई जा रही है। हत्या इतनी बेरहमी से की गई है कि हत्यारों ने लड़की का पेट काटकर उसकी आंतें तक बाहर निकाल दी है। इस बीच केरल के अलग अलग शहरों में लॉ स्टूडेंट को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन शुरू हो गया है। एक के बाद एक निर्भया जैसी घटनाएं हो रही हैं और हमारा सिस्टम सो रहा है, हमारा समाज सो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में 11वीं में पढ़ने वाली एक दलित छात्रा के साथ बदसलूकी और पिटाई का मामला सामने आया है। यहां तीन छात्राओं ने इस छात्रा के साथ मारपीट की और उसका वीडियो भी बनाया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक दलित छात्रा की जमकर पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के एक कॉलेज की तीन छात्राओं ने बीती 16 मार्च को पहले एक सुनसान जगह पर छात्रा का रास्ता रोका और फिर उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने इस छात्रा का वीडियो बनाकर उसे व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दिया। एलिगेंट कॉलेज के पास झगड़ा हुआ, उन लोगों ने मेरे को रुकाया। उस दिन मैं स्कूल जाने वाली थी, मेरा एग्जाम भी था, लेकिन उन लोग मेरे से मतलब रुका के इतनी सारी बातें पूछने लग गए, फिर अचानक से मारपीट और गाली गलौज करने लग गए। पीड़ित लड़की के पिता ने 7 अप्रैल को आरोपी छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। हालांकि उनका आरोप है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई चल रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि गांवों के आत्मनिर्भर बनने से ही देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। डॉक्टर चंद्रा ने राजस्थान के अजमेर से आज एकल विद्यालय अभियान को मजबूत बनाने के लिए देश के 1,00,000 गांवों तक पहुंचाने की बात कही। राजस्थान में एकल विद्यालय अभियान को मजबूत करने की कोशिश के तहत अजमेर में अंचल प्रणाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि एकल विद्यालय के जरिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। एकल मूवमेंट के द्वारा इस प्रयासरत है कि गांव को फिर से पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, पूरा उनका गांव का अपना वर्चस्व वहां पे कायम हो। कार्यक्रम में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुए। वसुंधरा ने गांव में शिक्षा के लिए एकल विद्यालय की तारीफ की। अनाचार, पापाचार, अत्याचार, बलात्कार, ये सब जो चीजें हैं उनसे छुटकारा किस तरीके से मिले, वो खाली एजुकेशन अगर होता है तो ही हमको मिल सकता है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि इतने बड़े पैमाने पे आपने इस काम को किया। राजस्थान में करीब 3,500 एकल विद्यालय चल रहे हैं। एकल विद्यालय एक शिक्षक वाले स्कूल हैं जो देश के आदिवासी बहुल दूर दराज के इलाकों में बिना किसी सरकारी मदद के चलाए जा रहे हैं।